अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइबर मैक्स अकेडमी। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स में हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे, 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड 2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसी तरह से हम एक्स जो है उसमें एक्स और वाई लिखेंगे, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। एंड बी मैट्रिक्स जो है हम उसमें 4 एंड 6 कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। हमें इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया गया है उसको हम ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज x is equal to a inverse b. x is equal to a inverse b. a inverse is equal to 1 over determinant of a into adjoint of a. and b इसके साथ उसी तरह आता जाएगा, multiply होगा. determinant of a is equal to 10 and adjoint of A is equal to 2, 2, minus 3, 2 and B is equal to 4, 6. अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 4 plus 2 into 6। इसी तरह से -3 into 4 plus 2 into 6, यहाँ से 8 हमारे पास आया और यहाँ से 12, 8 plus 12 is equal to 20। यहाँ से -12, यहाँ से +12, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 0 आया, 1 over 10, ये साथ आता जाएगा। अब यहाँ पर 1 over 10 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 over 10 आएगा। इसी तरह से 1 over 10 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 over 10 आएगा। x इज़ इक्वल टू 20 over 10 इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 0 over 10 इज़ इक्वल टू 0। Hence, x is equal to 2 and y is equal to 0 is the required solution question number 1 ka part 3 dekhiye. 4x plus 2y is equal to 8, 3x minus y is equal to minus 1. Sabse pehle hum A matrix likhenge, 4 coefficient of x, 2 coefficient of y, 3 coefficient of x and minus 1 coefficient of y. x लिखा जिसमें x और y लिखेंगे, जिसकी values हमें find करनी है। इसी तरह से b is equal to 8 minus 1.
एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मैट्रिक्स इन्वर्जन फार्मूला। ए इनवर्स हम जानते हैं ये इक्वल होता है वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल है -10 के और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है -1 -2 -3 4 और बी जो है हमारे पास 8 -1 है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 8 प्लस -2 इंटू -1। इसी तरह से -3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू -1 1 ओवर -10 -1 ओवर 10 ये साथ आता जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ओवर -10 -8 प्लस 2 इज इक्वल टू -6 -24 -4 इज इक्वल टू -28। अब 1 ओवर -10 इन दोनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो -6 ओवर -10 विच इज इक्वल टू 3/5। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -28 ओवर -10 आएगा विच इज़ इक्वल टू 14/5। ये 3/5 कैसे आया? 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10। इसी तरह से 2 14 are 28 एंड 2 5s are 10। हेंस x is equal to 3/5 and y is equal to 14/5। नंबर 1 का 7th पार्ट देखिए। 2x minus 2y is equal to 4 minus 5x minus 2y is equal to minus 10। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखा 2 which is coefficient of x -2 which is coefficient of y -5 which is coefficient of x -2 which is coefficient of y। x matrix likha small x and small y, x or y iski values hame find karna hai। b is equal to 4 minus 10। इक्वेशंस का जो सिस्टम हमें गिवन है उसको हम ax is equal to b लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स जो है इक्वल है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -14 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 2 5 2। बी इज इक्वल टू 4 -10। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ओवर -14 साथ आता जाएगा। जी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -8 -20 विच इज़ इक्वल टू -28 20 -20 इज इक्वल टू 0 आता है। 1 ओवर -14 इन दोनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से 2 आता है। 14 1s are 14 एंड 14 2s are 28। इसी तरह से यहाँ जब 1 ओवर
माइनस वन ओवर फोर्टीन जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो आएगा। हैंस एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। जी क्वेश्चन नंबर वन का एट्थ पार्ट देखिए। थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फोर, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखा, ए इज इक्वल टू थ्री विच इज कोफिशियंट ऑफ एक्स, माइनस फोर विच इज कोफिशियंट ऑफ वाई, वन विच इज कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड टू विच इज कोफिशियंट ऑफ वाई। एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एंड बी इज इक्वल टू फोर एंड एट। इक्वेशंस का सिस्टम जो हमें गिवन है उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हम जानते हैं कि वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। इसी तरह से बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्स इज इक्वल टू वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू टेन, एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू टू फोर माइनस वन थ्री एंड बी विच इज इक्वल टू फोर एट। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। टू इंटू फोर प्लस फोर इंटू एट, माइनस वन इंटू फोर प्लस थ्री इंटू एट। जी यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो है एट प्लस थर्टी टू, माइनस फोर प्लस ट्वेंटी फोर और वन ओवर टेन साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब देखें एट प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू फोर्टी एंड माइनस फोर प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी। अब वन ओवर टेन जो है इन दोनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। वन ओवर टेन को जब हम फोर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 ओवर 10 आएगा विच इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह से 1 ओवर 10 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ओवर 10 आएगा विच इज़ इक्वल टू 2। हैंस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल, हैंस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट टू फोर फिफ्थ एंड सिक्स इन सब का मेथड सेम है। आई होप कि आप इजीली कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।